अरे मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा, भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है, ये अमित शाह जी के जितने भी आलू है उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदारों कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं, राहुल भैया आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करती हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू हैं, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करती हैं। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आप साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बेच रहे हो, कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैला कर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। मायापति जी ऐसा हो ही नहीं सकता, एक एक साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायापति जी आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया, मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो एक एक साड़ी को सही से फैला कर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है, तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देख कर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था, ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूंगा, और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर? बहन सोनिया जी ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी, ममता दीदी आपको साड़ी नहीं चाहिए, एक साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूं, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है, इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो दो साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ, जब फसल आएगी तो 9 नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी। चलो ममता दीदी जैसी आपकी मर्जी, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचती हो, शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है, बस हाँ एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचती हो, शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा, इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को इधर से ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी। अरे मोदी जी ट्रेन तो हमेशा इधर ही से होकर गुजरती है, आपको पता नहीं है? हाँ ये कह सकते हो, जिस शहर से ये ट्रेन होकर गुजर रही है
उस पूरे के पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी, आप तो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए थे, बाहर कैसे बाढ़ के अंदर चले गए? क्या बताऊं योगी जी, जब ये ट्रेन रुकी मैं तो समझा कोई स्टेशन आ गया, इसीलिए मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा स्टेशन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेता हूँ, और मैंने नीचे नजर करे बगैर ही जैसे ही मैं ट्रेन की खिड़की से उतरा, अचानक गर्दन गर्दन तक पानी आ गया। तो मुझे पता चला ये ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी ना रुकी है, ये तो बाढ़ की वजह से रुकी हुई है। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, क्या करूँ? अब वापस ट्रेन में आ रहा हूँ, तैरना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे मेरे बेटे, सूटकेस के ऊपर बैठकर तैर क्यों रहा है? ये कोई नाव थोड़ी है, अपना सूटकेस है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह आए सब भीग जाएंगे। इधर आप पास में आ जा। नहीं मम्मी जी, जब ट्रेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाढ़ में रुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाढ़ में थोड़ा तैर लिया जाए। फिर मैंने सोचा अगर तैरूंगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपना सूटकेस इस पानी के ऊपर रख दिया और सूटकेस तैरने लगा, उसके ऊपर मैं बैठ गया। मेरे बेटे, ये कोई खेल नहीं है, बाढ़ है। आ जा पास में, आ जा, ट्रेन चलने वाली है। अरे सोनिया जी, इतनी जल्दी ट्रेन कहाँ चलेगी? देख रही हो कितना ज्यादा पानी है चारों तरफ, ट्रेन के इंजन में भी पानी भर गया होगा। अब तो बाढ़ कम होने का इंतजार करो, बस इस ट्रेन के सीटों पर बैठे रहो। अरे राहुल भैया, तुम्हारी मम्मी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई समुंदर थोड़ी है जिसमें तुम अपनी नाव तैरा रहे हो। इधर आ जाओ, अगर तैरते हुए दूर चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन में आ जाओ। और मायावती जी, आप पानी में क्या कर रही हो? आप भी जल्दी से आ जाओ ट्रेन में। अरे अखिलेश, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बहुत मजा आ रहा है, रेल के अंदर पंखे उनके तो चल नहीं रहे, बड़ा गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा बाढ़ में थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद रेल में आके बैठ जाऊंगी। बहन मायावती जी, बिल्कुल आप सही कह रही हो, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अपनी ये रेल बाढ़ में कब तक फंसी रहेगी। वैसे बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम हो रहा है, जल्दी एक दो दिन में ये ट्रेन चल पड़ेगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।